Good morning, guys. So once again, welcome back to my food vlog. And I hope आपने मेरा channel subscribe कर दिया है. अगर नहीं किया then please अभी करो. तो I hope आपने मेरे previous videos देखे होंगे. अगर नहीं देखे तो आपको कहीं इधर नहीं तो इधर I button में मिल जाएगा. आप प्लीज उसको देखो एंड डू कमेंट कि आपको कैसा लगा. एंड अगर आपने देख लिया है देन थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो आज मैं जाने वाली हूँ बैरकपुर. तो ये मेरा फर्स्ट विजिट है, मतलब मैं इससे पहले बैरकपुर नहीं गई हूँ. तो मैंने वहाँ का एक कैफे के बारे में सुना है एंड आई हैव गॉट गुड रिव्यूज. तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जाते हैं, देखते हैं. वीकेंड में तो कुछ करने को रहता नहीं है तो संडे को कुछ इस तरह यूटिलाइज करा जाए. तो बट आज का वेदर, इट्स रेनिंग, मतलब सुबह सुबह बारिश हुई. अभी डर लग रहा है कि इसके बाद बारिश होगी कि नहीं होगी. आई होप ना हो, बट विंटर्स में बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. एक तो ठंड, ऊपर से बारिश. ठीक है, 2-3 घंटे हैं तब तक. आई होप वेदर ठीक हो जाएगा. तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर बताती हूँ हम कैसे और कब और कहाँ जाएंगे, मतलब कौन सी कैफे जाएंगे. जगह तो आपको पता चल गया, लोकेशन, पर कौन सी कैफे जाएंगे. तो मिलती हूँ मैं आपको रेडी होके. आई एम रेडी और अभी मैं निकलती हूँ और होपफुली वेदर भी ठीक है तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं. अभी मैं यहाँ से मेट्रो लेने वाली हूँ तो चलते हैं. बाकी बातें मैं रास्ते में करूंगी. सो राइट नाउ आई एम एट दमदम. ये मेट्रो नोआपाड़ा नहीं जाएगी, आई मीन बड़ा नगर नहीं जाएगी. तो दमदम उतरना पड़ा. अब यहाँ से आई विल टेक अनदर मेट्रो जो कि बड़ा नगर जाएगी. तो और 5-10 मिनट्स वेट करना पड़ेगा. सो आई रीच्ड बड़ा नगर. अभी यहाँ से निकलना है. फाइनली रीच द डेस्टिनेशन और थोड़ा लेट भी हो गया था. सो लेट मी टेल यू क्लियर शॉट. मैंने मेट्रो लिया, मेट्रो से बड़ा नगर एंड बड़ा नगर से डायरेक्ट ऑटो टू दिस प्लेस एंड दैट इज लक्स बिलियर्ड्स एंड कैफे. सो दिस प्लेस इज रियली अमेजिंग. अभी आप जब देखोगे तो यू विल बी लाइक वाओ, बिकॉज मेरा भी कुछ रिएक्शन ऐसे ही था. So let me show you.
मेरे को खेलना नहीं आता, ना ये स्टिक पकड़ना आता, सो आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके जीत ये तो गया. अरे ये पूरा है, अरे ये तो सवाल मिस पूरे जाए एकदम. केस कौन टच होगा? ओके वन शॉट आगे खुशी. এটা তো যাকে খুশি বলা হলো यार. আরে ক্যারামে কলা গাছ খেলাম যে যে না যে বলটা ফেলছে সব বলো না ব্ল্যাঙ্ক যদি দেখি তাহলে এটা ওয়াও হোয়াট আ স্পিড. চলো এটা ফেলে দাও, এট লিস্ট দেখো পড়বে না. ওয়াও অসাধারণ, ভেরি গুড. সো আই নিড টু গেট লটস অফ ট্রেনিং ইন বিলিয়ার্ডস ক্যুকি মুঝসে নাই হো রাহা হ্যায়. कोई नहीं, कभी ना कभी सीख जाऊंगी. तो आई होप यू एंजॉयड द एम्बियंस. अभी हम जा रहे खाने पे. BBQ chicken pizza. So it's loaded with cheese and lots of chicken. Madam, lots of chicken. Just see the filling. I loved it. Trying this rasuni chicken kebab. With some chutney and lemon on it. This chicken lasagna kebab is too creamy and very soft. मतलब मुंह में melt हो जा रहा है पूरी तरह से. और लहसुन का क्रिस्पी फ्लेवर आ रहा है, इट्स नाइस. दिस इज तवा चिकन, थोड़ा सा अनियन. This is too spicy, मतलब बहुत ज्यादा spicy है. Thank you so much.
This is two-layer sandwich loaded with cheese, mayo and lots of chicken. This chicken wings are too yum. थोड़ा सा spicy है, थोड़ा सा honey sweetness है. I just wish it had to either it came with its own height or it was compatible with tripod. My recommendations are this club sandwich. इसमें one layer omelette है. This has chicken. This has mayonnaise. And awesome taste. And another recommendation is pizza. It's overdone with pizza. And if you love something spicy, then I suggest tawa chicken. बहुत spicy है and really melting in mouth. And this is very basic taste. ये spicy भी नहीं है. Too creamy and लीविंग फॉर द डे. और अभी मैं यहाँ से ऑटो लूंगी एंड अगेन मेट्रो. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. अभी तक का आपको रिव्यूज अच्छा लगा होगा, कैफे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कैफे बहुत ही अच्छा लगा. आई लव द एम्बियंस. आई लव द गेम. बिलियर्ड्स मुझे खेलने आता नहीं है, बट श्योर आई लर्न इट. डू कमेंट बिलो आपको ये जगह कैसा लगा. एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपको बिलियर्ड्स खेलना आता है कि नहीं, और आर यू फॉन्ड ऑफ इट और नॉट. एंड डू विजिट दिस प्लेस. आई होप यू विल एंजॉय द सेम वे आई डिड. And so that's it. मेरा शक्ल आप देख ही सकते हो after traveling effects. तो thank you for watching and stay tuned with Foodie Space. Don't forget to like, comment and share this video with your friends and family. Thank you for watching. Stay foodie.